यंग लोग हैं यार, इनके साथ काम करने में इसलिए मजा आता है कि इनको मेरे को भी यंग महसूस करने का मौका मिलता है अपने आप में, कि मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ, इतना प्रौढ़ नहीं हुआ। मैं भुगता हूँ उस मीडिया ट्रायल के लिए। मी टू के टाइम पर जो है मुझ पर एक गिला इल्जाम लगा दिया था मी टू, और जब मैंने पूछा कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ में, तो उसने कहा कि आपने मेरे पर देख के गाना गाया। हमको जो है नए कंटेंट निकालने पड़ेंगे जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि एक्सप्लोर नहीं किए गए, उन कंटेंट को निकालना पड़ेगा तभी कहीं जाकर, क्योंकि पुराने कंटेंट देख चुके हैं लोग, मार धाड़ सेक्स वगैरह कितनी बार देखेंगे यार लोग, कितनी बार देखेंगे, इनको भी नए अंदाज में पेश करना होगा। अच्छा डायरेक्टर है वो जानता है कि वो क्या करवा रहा है और क्या निकल के आने वाला है, तो आपको अपने आप को पूरी तरीके से डायरेक्टर पर सौंप देना चाहिए। हेलो एंड वेलकम सर, वेलकम पीयूष मिश्रा सर, वेलकम टू ई टाइम्स, हाउ आर यू डूइंग? बस खरी तैयार, एकदम करेक्ट है, आप सुनाइए। ऑल गुड। हम आपके नई सीरीज इलीगल 2 के बारे में बात करेंगे सर। जो पहला सीजन था it got a lot of appreciation by the audience, even critics had good things to say. It was termed as a mass entertainer when it came out. Sir, is season se hum kya expect kar rahe hain? Utna hi fast hai, utna hi fast hai, bilkul usse dik fast hai, usse dik fast hai, usse dik chatpati script hai, usse dik ups and downs hai, usse dik saral script hai, seedhi script hai. Audience ko bahut dimag nahi lagana padega samajhne ke liye. Audience aksar us shows ko pasand nahi karti jisme usko dimag lagana padta hai samajhne ke liye. ऑडियंस बहुत पसंद करेगी। फिर इसमें दूसरों में दूसरी बात यह है कि कैरेक्टराइजेशन इसमें बहुत कमाल है। इसमें इस सीजन में जो कैरेक्टराइजेशन जो है वो बहुत खिल कर आते हैं, निकल कर आते हैं। इसमें एक कमाल स्क्रिप्ट राइटर का है, डायलॉग राइटर का, और दूसरा कमाल जो है डायरेक्टर का है। डायरेक्टर इसमें जो है आपके बहुत ही आराम तलब मतलब बहुत ईजी गोइंग था। इसमें अश्विनी चौधरी जो थे उनका डायरेक्शन जो है आपके बहुत ही सूदिंग था, मतलब कभी गुस्सा नहीं करना सेट पर, लोगों को काम करने देना, कभी टेंपर लूज नहीं करना, लोगों का साथ देना, एक बार खराब हो गया दूसरी बार अच्छा होगा, तो कोऑपरेट करना, बहुत कोऑपरेट और बहुत दोस्ती वाला डायरेक्टर था। तो उसकी वजह से जो है आपकी हर चीज़ बहुत ही स्मूथ चलेगी। तो इसलिए जो है इसमें आपको बहुत ही ईजी गोइंग फील मिलेगा पूरी सीरीज में, कि बहुत ही भारी भरकम प्लॉट को बहुत ही आसानी से कह दिया गया, ये इसकी खासियत रही। जनार्दन जेटली का इस सीजन में कैरेक्टर का ग्राफ किस तरह रहेगा, किस तरह इसके अप्स एंड डाउन हो गया, कहां उसका कैरेक्टर है खत्म? बढ़िया, मतलब आपके ये इसमें बिल्कुल जैसे कि इसमें एम्बिशियस दिखता है ये सीजन 1 में, इसमें ब्लाइंडली एम्बिशियस है। मतलब पहले सीजन में अपनी वाइफ को मरवा देता है, अगले सीजन में ये होगा कि अपने रास्ते में आने वाले सारे रोलों को निभाता है, भले बेटा हो या बहू हो या स्टाफ हो या जूनियर हो, सबॉर्डिनेट्स हो। इसकी प्रोटेजी जो है निहा शर्मा, उसको जो है बुरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसके पॉलिटिकल राइवल्स जो हैं उनको कैसे ख़त्म करता है। इसका पर्पस ये है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंडभेद के साथ में इसको CM बनना है। जी, CM बनने के चक्कर में आपके जितने भी बंदे आते हैं इसके राह में सबको ये निपटा देता है, निपटाने की कोशिश करता है। अब ये निपटा देता है नहीं, आपको देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या करता है क्या नहीं करता, पहले से मैं रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन ये सबको निपटाने की कोशिश करता है। सर, आपके जिस साथ में कास्ट है काफी एंसेंबल, काफी क्रिएटिव कास्ट है, काफी मेहनती कास्ट है, जैसे देखा जाए नेहा तनुज की बात करा जाए, अक्षय ओबेरॉय की बात करा जाए, इन सीजन में इनका क्या रोल रहेगा और इस आपको इनके साथ काम करने किस तरह मजा आया? बड़ा मजा आता है, मुझे यंगस्टर्स के साथ काम करने में हमेशा मजा आता है, मुझे यंगस्टर्स के साथ काम करने में हमेशा मजा आता है, तो उनके साथ भी बहुत मजा आया। बहुत ही प्यारे लोग हैं और बहुत ही कीन हैं काम को जानने के लिए, अगर कहीं समझ में नहीं आता तो पूछ लेते हैं। एज ए सीनियर मेरा फर्ज बनता है, जैसे नेहा है, नेहा को कई बार डायलॉग याद करने में दिक्कत आया करती थी, लेकिन जो है वो पूछ लिया करती थी, तो बिना किसी प्रॉब्लम के पूछ लिया करती थी, और बहुत ही स्वीट है, मतलब आपके हमेशा हंसती रहती है, मुझे बतलाने में कोई एतराज नहीं था, और बहुत जल्दी पिकअप करती है। तो ये खासियत थी इसकी कास्ट की। जी, कास्टर्स है, यंग लोग हैं यार, इनके साथ काम करने में इसलिए मजा आता है कि एक तो मेरे को भी यंग महसूस करने का मौका मिलता है अपने आप को, कि मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ, इतना प्रौढ़ नहीं हुआ, तो मतलब इनके साथ काम करने में ये अच्छी बात लगती है कि जो आप अपने आप को जवान महसूस करते हो इनके साथ काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा गुड फीलिंग, भली भली सी फीलिंग होती है कि हाँ भाई हम डिपेंडेबल कास्ट के साथ काम कर रहे हैं।
ओके सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करा जाए तो आजकल ऑडियंस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट इस तरह कंज्यूम कर रही है जैसे पहले कभी किसी ने किया नहीं है. काफी कंटेंट आ रहा है, काफी लोग कंटेंट से एंगेज कर रहे हैं एक दूसरे से. आई गेस ये कंटेंट से एंगेज करने का एक तरीका, बिकॉज कंटेंट बहुत ही खूब तरीके से आ रहा है, काफी लोग एंगेज करते हैं. मुझे जानना है एज एन एक्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको लिबर्टी कैसे देता है, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, एक पावरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको परफॉर्म करने के लिए ओटीटी पे आपको एज एन एक्टर क्या लिबर्टी मिलती है जो आपको सिनेमाज में नहीं मिलती. देखिए, जो प्लॉट जो है आपके आठ एपिसोड का है, जो प्लॉट आठ मानकर चलिए कि आपके 5 घंटे का प्लॉट है, 5 घंटे के प्लॉट को अगर आपको एक फिल्म बनानी है तो आपको 1.5 घंटे में उसको निपटानी पड़ेगा. कैसे तो भी करके निपटानी पड़ेगा. इसमें जो है गुंजाइश है कि 5 घंटे के प्लॉट को आप जो है 10 एपिसोड में बांट सकते हैं जी, बिना काटे. मतलब आपके एपिसोड कट जाएंगे और एपिसोड ऐड हो जाएंगे. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना स्क्रिप्ट राइटर को, ना एक्टर जी. तो एक्स्ट्रा राइटर को मौका मिलता है कि अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, और एक्टर को और मौका मिलता है कि उसको बहुत काम करने का मौका मिलता है, बहुत ज्यादा काम करने का मौका मिलता है डिटेल में. मतलब कहते हैं डिटेल में, अब ये कोर्ट रूम ड्रामा है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिटेल में नहीं की गई तो खड़ेंगे खटकेंगे. कोर्ट रूम है ना आपके, मतलब करेक्ट तो होना पड़ेगा ना, आपके लीगली करेक्ट होना पड़ेगा ड्रामे के साथ में, सारी लिबर्टी के साथ में आपको कहीं ना कहीं करेक्ट होना पड़ेगा. तो करेक्ट होने के अंदाज में, करेक्ट होने के लिए ये थोड़ा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए. वो वक्त मिलता है ओटीटी प्लेटफॉर्म, वक्त मिलता है स्क्रिप्ट राइटर्स को एंड हैंडफोर्थ एक्टर्स को कि अपने आप को जितना चाहे लंबे तरीके से डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक एक्सप्लोर कर सकते हैं. सही कहा आपने सर. अगर मीडिया ट्रायल्स की बात हो रही है तो देखा जाए हमारे कंट्री में 2 तरह के ट्रायल होते हैं, राइट. एक कोर्टरूम ड्रामा होता है और एक मीडिया ट्रायल होता है. और काफी टाइम पे जो इन्फ्लुएंशियल आदमी होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, काफी टाइम इस चीजों में उलझ जाते हैं, काफी टाइम न्यूज में उठ के आते हैं. तो आप इस चीज को कैसे देखते हो, मीडिया ट्रायल्स और जो कोर्टरूम ट्रायल होता है, आप इस हमारी कंट्री में इस चीज को कैसे देखते हो? यार मुझे मीडिया ट्रायल पसंद नहीं. मीडिया ट्रायल्स जो होते हैं आपके, वो मुझे कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड लगते हैं, कंटेमिनेशन होता है उसमें, और मैं फंस चुका हूँ उन चीजों में, इसलिए मैं भुक्त भोगी हूँ. मुझे मालूम है कि आपके आदमी की स्थिति क्या होती है, आदमी की हालत कैसी होती है, आपके कोटेशन को मिसकोट कर देना, जबरदस्ती आपने कुछ बोला नहीं है उसको मिसकोट कर देना, जबरदस्ती लांछन लगा देना, आक्षेप लगा देना, इल्जाम लगा देना, उसमें बंदा बहुत बुरे तरीके से भुगतता है. और आज की तारीख में मीडिया ट्रायल को ही सच मान लिया गया है. आज की तारीख में मीडिया को बहुत भगवान मानते हैं लोग, कहते हैं गवर्नमेंट गिरा सकता है मीडिया अगर चाहे तो. मीडिया इतना पावरफुल बन चुका है आज की तारीख में, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और वो दुर्भाग्य से अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा जी. उसलिए जो है आपके जो विक्टिम बनता है उससे पूछो कि उस पर क्या गुजरती है जी, बिना कुछ किए. और अच्छा, अगर चला मीडिया ट्रायल 6 महीने चला, 6 महीने में उस बंदे की इज्जत का चकाचूर हो गया, वो मालूम पड़ा बाद में वो फ्री होकर निकल आया. लेकिन अब फ्री होकर निकल आया, स्पॉट फ्री निकल आया, लेकिन 6 महीने के अंदर जो उसकी मिट्टी पलित हुई, उसको जिम्मेदार कौन है? तो ये जो है आपके मतलब भुगतता है, जो भुगतता उससे पूछो क्या मैं भुगतता हूँ उस मीडिया ट्रायल को लेकर. मीटू के टाइम पर जो है मुझ पर एक महिला ने इल्जाम लगा दिया था मीटू, और जब मैंने पूछा कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ में, तो उसने कहा कि आपने मेरी तरफ देख के गाना गाया जी. तो मैंने कहा यार ये क्या मतलब बदतमीजी से गाना गाया, तुम्हारी तरफ देख के मैं हाथ पकड़ा, तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हें अब्यूज किया, क्या किया? कहने लगे नहीं आपने गाना गाया, लेकिन जो लिखा था उसने उस पर किसी का गौर नहीं किया. हर बंदा ये इस चक्कर में पड़ गया कि आप पर इल्जाम लगाया गया, लड़की ने लगाया, इसका मतलब आप कल्प्रिट हो. मैंने कहा पढ़ तो लो उसने क्या लिखा है, पढ़ने की फुर्सत नहीं है किसी के पास में. लंबा चौड़ा लिखा है उसने, उसको पढ़ने की बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, तो उसको पढ़ने की फुर्सत नहीं है किसी के पास में. बस लड़की ने इल्जाम लगाया, आप पर इल्जाम लगाया, उसका मतलब नहीं कि आप मीडिया में हो और मीडिया ट्रायल हो गया. उससे बहुत परेशानी होती है यार, परिवार बड़ा परेशानी में पड़ता है, चिंताग्रस्त रहता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मतलब उसमें मैं उसको पसंद नहीं करता. ओके सर, दूसरी बात करा जाए तो एक एक्टर की प्रोसेस के बारे में लोग काफी टाइम आपको पूछते रहे कि आपका प्रोसेस क्या होता है एक्टिंग का. ऐसा कब होता है कि एक्टर एक्चुअली अपनी प्रोसेस बताना चाहता है या बताता है, या फिर एक्टर अपनी प्रोसेस कभी नहीं बताता, अपने पास रखता है? आई बिलीव एक्टर की प्रोसेस बहुत पर्सनल होती है उसके लिए. जब पूछा जाता है तो क्या आप सच्ची में रिवील करते हो आपके कोच कास्ट को, या फिर मीडिया में पूछा जाए तो? हाँ, क्यों नहीं रिवील करेंगे यार, बिल्कुल रिवील करेंगे ना. एक्टर की प्रोसेस क्या होती है? एक्टर की प्रोसेस होती है विजुअल बैकग्राउंड में जाने, कैरेक्टर का, जो कैरेक्टर के बारे में जो लिखा नहीं गया है, जो स्क्रिप्ट में मेंशन नहीं है, उस चीज को विजुलाइज करना, क्या नहीं, क्या हुआ होगा, स्पेकुलेशन है, क्या हुआ होगा अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट के अलावा बहुत सारे सीन्स होंगे उसकी जिंदगी में. एक कैरेक्टर जनार्दन जेटली है, उसकी जिंदगी में जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसके अलावा भी बहुत सारे सीन्स ऐसे होंगे जो दर्ज नहीं किए गए. उन सीन्स को विजुलाइज करना,
सोचना नहीं उनके बारे में, सोचने से दिक्कत हो जाती है, विजुलाइज करना पूरा बैकग्राउंड, विजुलाइज हो जाता है पूरा बैकग्राउंड को विजुलाइज करना और उसके बाद में पोर्ट्रेट कर देना। मेरे ख्याल से दुनिया का हर एक्टर इसी मेथड से काम करता है, किसी का प्रोसेस अलग नहीं है। बस ये मुझमें और मार्लन ब्रांडो में फर्क ये है कि मार्लन ब्रांडो अच्छे तरीके से विजुलाइज, उससे बेहतर तरीके से विजुलाइज कर सकते थे जी। इसके अलावा मुझमें और ब्रांडो में कोई फर्क नहीं है, बस ये था कि वो मुझसे बेहतर तरीके से विजुलाइज कर सकते थे जी, वो मुझसे बेहतर तरीके से विजुलाइज कर सकते थे, इसलिए जो आपके मतलब वो स्पोर्ट्स बेटर। सर बात करा जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म की, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने काफी यंग एक्टर्स को एक अच्छा अच्छा मौका दिया अपने आप को आके अपना टैलेंट दिखाना या फिर अपनी चीजें दिखाना, काफी टैलेंटेड मिलता है जहाँ पे जो एक्टर जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है वो अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को किस तरह देखते हैं? अच्छा है यार, बढ़िया है, बढ़िया तरीका है, लेकिन ये सिनेमा को नहीं मार पाएगा, सिनेमा सिनेमा ही है, सिनेमा को नहीं मार पाएगा। सिनेमा बहुत बड़ी चीज है, सिनेमा एक डिसिप्लिन वातावरण में 70 mm के पर्दे पर अपने आप को देखना और इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप खास देंगे तो पास वाला आदमी आपको बोल देगा कि प्लीज शट अप जी। सही बात, तो 250 rupees देकर जो आपके जो सिनेमा देखने जाते हैं उनकी बात ही अलग होती है, मतलब वो डिसिप्लिन रहते हैं, ढंग से देखते हैं, उन्हें मालूम है कि अगर कोई चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही तो उसको ऑफ नहीं कर सकते जी, OTT की तरह ऑफ नहीं कर सकते। तो उसमें यह है, ऑन द कॉन्ट्ररी OTT में खासियत यह है कि OTT में बहुत सारे प्लॉट्स को, कंटेंट्स को, बहुत सारे कंटेंट्स को, अनएक्सप्लॉयड कंटेंट्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, वो इसमें हो गया है। इसका प्रभाव जो है सिनेमा पर ये पड़ेगा कि सिनेमा अब जो और अधिक चौकस हो जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले 1.5 साल में जितने कंटेंट वाइज कंटेंट ड्रिवन प्लॉट देख चुके हैं सब, वो फजूल सिनेमा देखना पसंद नहीं करें, भले स्टार के साथ में हो या बिना स्टार के साथ, वो देखेंगे कि इसमें कंटेंट है कि नहीं। कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का ही दौर आने वाला है और आ चुका है, तो वो स्टार्स हो या नहीं हो उसमें एतराज नहीं है मुझे, स्टार्स भी हो लेकिन उसमें कंटेंट चाहिए जी। सर इसी बात को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अभी जिस तरह सिनेमा खुल चुके हैं, काफी खुशी की बात है जो सिनेमा खुल चुके हैं, लोग जा रहे सिनेमा में, बट सिनेमा में लोगों को बुलाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, लोग पुराने वाले कंटेंट देखने सिनेमा नहीं आएंगे, तो आप अग्री करते हैं नवाज की बात से? बिल्कुल अग्री करता हूँ, पुराने वाले कंटेंट देखकर लोग नहीं आएंगे, हमको जो है नए कंटेंट निकालने पड़ेंगे जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, अभी एक्सप्लोर नहीं किए गए, उन कंटेंट को निकालना पड़ेगा तभी कहीं जाकर, क्योंकि पुराने कंटेंट देख चुके हैं लोग, मार धाड़ सेक्स वगैरह ये कितनी बार देखेंगे यार लोग, कितनी बार देखेंगे, इनको भी नए अंदाज में पेश करना होगा, इनको भी नए अंदाज में पेश करना होगा। आपने एक फिल्म देखी थी जॉनी मेरा नाम करके विजय आनंद की फिल्म थी, जिसमें पद्मा खन्ना का एक डांस था, पद्मा खन्ना लास्ट डांस करती हैं उसमें, और पूरी पिक्चर में आपके वो ढकी रहती हैं मतलब कपड़ों से, और एक केवल एक उसमें जो आपके मतलब वो रिवील करती हैं अपने आप को, तो वो डायरेक्टर का विजन था कि जो है मतलब जिस बंदी को दिखाना है लास्ट में उसको पूरे पिक्चर में कपड़ों से ढके रखो, और लास्ट में थोड़ा सा दिखाया उन्होंने और वो जो आपके दैट केम आउट एज अ ब्रिलियंट सीन। उस तरीके से पुरानी चीज़ों को नया जमा पहनाना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को अगर आप नए तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको नए तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कि आप पुरानी चीज़ों को बासी तरीके से पेश कर दोगे तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, हम जब भी इंटरव्यू करते हैं तो हम रिहैश करते हैं, जैसे आपके जो पुरानी मूवीज है उसके उसको हम जानने की कोशिश करें, तो आपके जो दो कैरेक्टर है मुझे बहुत पसंद आए, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है दोनों इम्तियाज अली जी की मूवी में है, एक तो है हमारे डिंगरा साहब ठीक है, और दूसरे सूरी डेलर जो है हमारे तमाशा में, जो एक कल्ट मूवी हमारे सबके लिए। सो सर मैं जानना चाहूंगा आप थोड़ा मेमोरी में पीछे जाइए, हमें बताइए ये कैरेक्टर इतने स्पेशल क्यों बनते हैं हमारे लिए, जब क्योंकि हम जब इन कैरेक्टर देते हैं तो हम इनको बहुत अच्छी तरह से फील कर पाते हैं, ऐसा क्यों, इन कैरेक्टर में ऐसा क्या था? मुझे मालूम नहीं यार ऐसा क्यों था, मतलब मुझे भी नहीं मालूम था, करते हुए मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मैं इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर रहा हूँ, ऐसा मुझे करते हुए एहसास नहीं हुआ था, इंदिरा करते हुए ना स्टोरी टेलर करते हुए, इम्तियाज के दिमाग में था, वो कह रहा था कि आप करते जाइए पीयूष भाई, बाकी जो होगा मैं संभाल लूंगा, तो एक तरह से इम्तियाज के विजुलाइजेशन को मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो कुछ भी उसके दिमाग में था डायरेक्टर के दिमाग में, मेरे ख्याल से मैं और इम्तियाज एक दूसरे को बहुत ही भली तरीके से समझते थे जी, बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, इसलिए पॉसिबल हो पाया, क्योंकि करते हुए ढिंगरा का वो जो सीन था मालिश वाला सीन जी, जो जिस मालिश करता है वो करते हुए हम में से किसी को हंसी नहीं आ रही थी जी, हम बहुत ही सीरियसली कर रहे थे उसको, हम में से किसी को हंसी नहीं आई थी। सेम इस तमाशा में जो लास्ट वाला सीन है जब रणवीर आता है मेरे पास में, मैं रखता हूँ उस पर, तब भी जो है करते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं तो बहुत कमाल कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगा,
लेकिन जब निकल कर आया बाद में तो इम्तियाज इम्तियाज की ब्रिलियंस पर जो है मुझे दाद देनी पड़ी कि इसने सोचा था. बेसिकली सिनेमा इज वन पर्सन विजुअलाइजेशन, सिनेमा इज डायरेक्टर्स विजुअलाइजेशन, सिनेमा इज ए डायरेक्टर्स बेबी. डायरेक्टर जानता है कि अगर अच्छा डायरेक्टर है तो जानता है कि वो क्या करवा रहा है और क्या निकल के आने वाला है. तो आपको अपने आप को पूरी तरीके से डायरेक्टर पर सौंप देना चाहिए. सिनेमा करते हुए अपना दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए. जो डायरेक्टर बोल रहा है चुपचाप कर दो और वो निकल कर जाता है. तो मैंने अपना दिमाग नहीं लड़ाया. हालांकि मैं सीनियर था इम्तियाज से काफ़ी थिएटर के ज़माने में भी, लेकिन और रिस्पेक्ट भी करता है मेरी वो, लेकिन मैं उसकी बतौर डायरेक्टर के अधिक रिस्पेक्ट करता हूँ. तो मैं उसके काम में अड़ंग नहीं लगाया. जैसा बोलता गया वैसे वैसा करता गया और रिजल्ट अच्छा है. काफी अच्छा है सर, बिकॉज वो कैरेक्टर हमारे दिमाग से आज तक निकले नहीं. हम जब भी देखते हैं बड़ी खुशी से वो कैरेक्टर को देखते हैं. सर थैंक यू सो मच फॉर चैटिंग विद मी और इल्लीगल 2 के लिए आपको बहुत बहुत बधाई. आई एम श्योर कि जिस तरह फर्स्ट सीजन था उसी तरह सेकंड सीजन निकल के आया, काफी अच्छा करेगा. थैंक यू सो मच फॉर दैट सर. चलो थैंक यू बाय.